विचारे गुरबाणी विच अज असी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 730 उत्ते अंकित कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा शब्द दे विचार करांगे। ए शब्द धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा उच्चारण कीता होया है जो कि सूही राग अधीन अंकित है। आओ सर्वण करते हैं यह शब्द अते इसकी विचार। सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा कौन गुरु कै पै दिखिया लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल परपुर लीना तू आपे सर्व समाना रहाओ मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सो सो तोली इन विद चित रहावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बुझे आपे है बनजारा अंदुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। हे प्रभु कोई ऐसी तकड़ी नहीं कोई ऐसा वट्टा नहीं जो तेरे गुणा दा अंदाजा ला सकन कोई ऐसा सराफ नहीं जिसनु मैं तेरे गुणा दा अंदाजा लान वास्ते सत सका मैनु कोई ऐसा उस्ताद नहीं दिसदा जिस पासों मैं तेरा मुल पवा सका जा मुल पान दी जाच सिख सका। हे मेरे सोहने प्रभु जी मैं तेरे गुणा दा अंत नहीं जान सकदा मैनु ए समझ नहीं आ सकदी कि तेरे विच कितनियां कु सिफतां हन तू पानी विच भरपूर है तू धरती दे अंदर व्यापक है तू आकाश विच हर थां मौजूद है तू आप ही सब जीवां विच सब थावां विच समाया होया है। हे प्रभु जे मेरा मन तकड़ी बन जाए जे मेरा चित तोलन वाला वट्टा बन जाए जे मैं तेरी सेवा कर सकां तेरा सिमरन कर सकां जे ए सेवा सिमरन मेरे वास्ते सराफ बन जाए तेरे गुणा दा मैं अंत ता नहीं पा सकांगा पर इना तरीकियां नाल मैं अपने चित नूं तेरे चरणां विच टिका के रख सकांगा। हे भाई मैं अपने हिरदे विच ही उस खसम प्रभु नूं बैठा जाच सकांगा प्रभु हरेक थां व्यापक है अपनी वडियाई भी वह आप ही जानता है ते जाच सकता है वह आप ही तकड़ी है तकड़ी दा वट्टा है तकड़ी दी बोधी है वह आप ही अपने गुणा नूं तोलन वाला है वह आप ही सब जीवां दी संभाल करता है
आप ही सब दे दिलां दी समझदा है। आप ही जीव रूप होके जगत विच नाम वणज कर रहा है। जो मन माया दे मोह विच अन्ना होया पिया है, जो जन्मां जन्मांतरां दे विकारां दी मैल नाल नीवी जात दा बनिया होया है, जो सदा भटकदा रहिंदा है, रत्ता मात्र भी किते इक थां टिक नहीं सकदा, नानक दी संगत सदा उस मन नाल है, जिस करके अज्ञान नानक परमात्मा दे गुणा दी कदर नहीं पा सकदा। इस शब्द विच गुरु साहब समझाना करते हैं कि सर्व शक्तिमान कि सर्व कला सम्राट अकाल पुरख वाहिगुरु नूं किसी भी तरह नाल तोलिया नहीं जा सकदा, उहदी कीमत नहीं लाई जा सकदी, पर गुरु दे दसे मार्ग नाल ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪੰਥੀ ਬਣੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਿਜ਼ਨ 1469 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।